नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानपुर को मेट्रो रेल योजना की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर योजना को तय समय में पूरा करती है। उन्होंने कानपुर के इत्र व्यापारी के पास बरामद हुए करोड़ों रुपए को लेकर समाजवादी पार्टी पर भी इशारों में हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले सरकारों ने भ्रष्टाचार का इत्र छिड़क रखा है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरदोई में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। वहीं अखिलेश यादव ने इत्र व्यापारी को बीजेपी का ही आदमी बता दिया। आपको बता दें कि इत्र व्यापारी पीयूष जैन के यहां छापेमारी के दौरान 257 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद की गई है। ये मामला अवैध कारोबार और टैक्स की चोरी का बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो के पहले चरण की शुरुआत की। इस चरण में मेट्रो आईटीआई से मोती झील तक करीब 9 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी। मेट्रो परियोजना की कुल लंबाई 32 किलोमीटर की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आईआईटी से गीता नगर तक मेट्रो से ही यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर को मेट्रो रेल का तोहफा देते हुए ठेठ कनपुरिया शैली में अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को ठग्गू के लड्डुओं की याद दिलाई। ये ठग्गू के लड्डू के यहाँ क्या लिखा होता है? है ठग्गू के लड्डू के यहाँ क्या लिखा है? ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। इत्र व्यापारी के घर छापे में बरामद करोड़ों रुपयों को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि नोटों का पहाड़ समाजवादी पार्टी की उपलब्धि है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेट्रो से लोगों को सड़कों पर जाम से मुक्ति मिलेगी। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां 5 शहरों में मेट्रो का संचालन होता है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक मेट्रो संचालित करने वाले राज्य के रूप में आ चुका है। 5 हमारे शहर ऐसे हो चुके हैं जिन पर मेट्रो की सुविधा वहां के वासियों के आवागमन की दृष्टि से जाम मुक्त सड़कें मिल सके, सुविधाजनक आवागमन हो सके, प्रदूषण मुक्त व्यवस्था यातायात के लिए मिल सके, इस दृष्टि से आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। इससे पहले कानपुर के करीब उन्नाव में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इत्र व्यापारी पीयूष जैन को बीजेपी का ही आदमी बता दिया। उन्होंने कहा कि छापा पुष्पराज जैन के घर पर पड़ना था, लेकिन गलती से बीजेपी ने अपने ही आदमी के घर पर छापा पड़वा दिया। बताओ सरकार किसकी है और ये रेलवे किसका है, हवाई जहाज किसका है, सड़क किसकी है, सब कुछ इनका, बैंक इनकी, और ये कह रहे हैं कि रुपया हमारा है। ये रुपया समाजवादियों का नहीं है, ये रुपया भाजपाइयों का है। बताओ नोटबंदी फेल हो गई कि नहीं हो गई? और अगर नोटबंदी तुम्हारी कामयाब थी तो बताओ बीजेपी वाले के घर में इतना रुपया कैसे निकल रहा है? इधर हरदोई, भदोही और सुल्तानपुर के चुनावी दौर पर निकले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हमला बोला। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है, 250 करोड़ रुपया। अखिलेश जी, आप हमें डराने का प्रयास न करो,
मोदी जी ने सत्ता पर आने के पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार को नाबूद करेगी, काला धन को समाप्त कर देगी, समाप्त कर देगी। और मित्रों, आज जब रेड़े हो रही हैं, तो उनको पेट में मचलन आ रही है। वहीं चुनावी दौर से बाहर आती कांग्रेस लखनऊ में लड़कियों की मैराथन कराने में व्यस्त रही। जाहिर है कि कांग्रेस 2024 की मैराथन दौड़ की तैयारी कर रही है, तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच 100 मीटर की चुनावी दौड़ की होड़ लगी हुई है। वहीं चुनाव आयोग के अधिकारी प्रदेश में चुनाव की परिस्थितियों की समीक्षा के लिए लखनऊ पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो लोकतंत्र में बात दरअसल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तेज होती सियासत की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर पहुंचे, जहां पर IIT के छात्रों से तो मुलाकात की ही, उनसे मुखातिब हुए, लेकिन मेट्रो रेल का के एक सौगात भी कानपुर वासियों को दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री ने भी योगी सरकार की तारीफ की। अब ऐसे में उन्होंने ये भी बताया कि डबल इंजन की सरकार का क्या यहां पर फायदा लोगों को मिल रहा है। समाजवादियों पर निशाना साधने से नहीं चूके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं अखिलेश यादव ने आपको बता दें कि प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, मोदी सरकार पर निशाना साधा। आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कंचन द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी की। बहुत स्वागत है कंचन जी आपका। विवेकानंद पाठक जी इस वक्त हमारे साथ है, जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस यूपी के। बहुत स्वागत है विवेकानंद जी आपका। डॉक्टर अभिषेक राय जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि स्पोक पर्सन है सपा के, आपका बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा कंचन द्विवेदी जी आपसे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचते हैं, सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं, योगी आदित्यनाथ भी अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए ये भी बताते हैं कि कानपुर किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और 5 शहर ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर मेट्रो जो ट्रेनें हैं वो चलने शुरू हो गए। लेकिन अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, वहां पर भी सपा पर निशाना क्यों? नहीं, जब कुछ गलत होता है, भ्रष्टाचार होता है, या फिर अधर्मी लोगों का जब खुलासा होने लगता है, तो फिर सभी के जुबान पर आ जाता है। फिर वो चाहे आदरणीय मोदी जी हो, योगी जी हो, या नॉर्मल आदमी हो, या फिर हम सब कोई भी पैनलिस्ट हो, वो बात जुबान पर आ ही जाती है, क्योंकि ये हमारा भारत वर्ष है, कोई भी चीज छिपती नहीं है। और ये तो बात पक्की ही है कि निशानेबाजी जब वो लोग झूठ बोल सकते हैं कि नहीं हमारा पैसा नहीं है, वो तो बीजेपी वालों का है, ये है वो है, तो हम लोग सच तो बोल ही सकते हैं, उनका काम ही है झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। उससे अच्छा है कि हम लोग सच बोल रहे हैं, ये निशानेबाजी की कोई बात ही नहीं है, ये तो सच है और सच सबको ही बोलना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय, ये सच है क्या कि जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और ये कहते हैं कि 2017 से पहले यहाँ पर भ्रष्टाचार का इत्र छिड़का जा रहा था, अब वो सभी के सामने आ गया है? देखिये माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी एकदम घबरा गए। आप देख रही थी कि आज उत्तर प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर आए थे, पर प्रोटोकॉल के हिसाब से योगी जी उनको रिसीव करने नहीं है। ये सिर्फ एक अखिलेश यादव से इतना डर गए, हमारी विजय रथ यात्राओं से इतना अंदर हताशा और वो आ गई है कि अमित शाह जी अलग रैली कर रहे हैं, मोदी जी अलग रैली कर रहे हैं और योगी जी अलग रैली कर रहे हैं। तीनों लोग सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करके रैलियां कर रहे हैं, फिर भी अपेक्षित भीड़ नहीं जुटा पा रहे। आज उन्नाव में बारिश हो रही है, अखिलेश जी रैली ही नहीं कर रहे हैं। आप सुन लीजिए ना, पहले सुनिए, हमारी रैलियों में देखिए ना, जो जनता बारिश में भी खड़ी है, वो हमारे साथ में भी खड़ी है, हम सरकारी तंत्र की भीड़ नहीं बुलाते। आप भी कर रहे हैं ना, मेरी बात बहन, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, प्लीज सुन लेते हैं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ठीक है, रखिए रखिए अपनी बात, जो जनता सुना रही है आपको, बहुत जल्दी जवाब मिलने जा रहा है, डेढ़ महीना सुना चुकी है, और आप सुन चुके हैं।
बाकी हम भी सुन लेंगे। आपको कंचन कंचन जी आप ही बोल रहे हैं, मैं ठीक है, रखिए रखिए ना अभिषेक जी, बात रखिए ना अपनी। नेहा जी आप इन्हीं को बोल लेने दें, क्योंकि देखे ना कहेंगे हम महिला सम्मान बहुत करते हैं, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। कितना महिला सम्मान करते हैं उनको मालूम रहता है, जहाँ से लेकर के आप बोल रहे हैं पूरा सब मालूम रहता है, जहाँ पर से लेकर के मोड तक सब बताए, कितना महिला सम्मान किया, कितना पिताजी ने अखिलेश जी के किया। ठीक है, महिलाओं का सम्मान करते हुए अपनी बातों को अब आगे बढ़ाइए डॉक्टर अभिषेक। मैं वही बात कह रहा हूँ नेहा जी ना, कि अब ये बीच में फिर बोलेंगी बहन हमारी, इनको बड़ा कष्ट है, क्योंकि सच्चाई से ना कहते हैं ना सांच को आंच नहीं आती, हम तो जहां सत्यता से खड़े हैं, इनके अंदर इतना डर और हताशा और निराशा आ गई है। अभी इनकम टैक्स बुला रहे हैं, कल ईडी बुलाएंगे, परसों सीबीआई बुलाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश हार रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी पड़ी, कंचन बहन ठीक है, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। विवेकानंद पाठक जी, इसमें आपको कितना फायदा आप देखते हैं? ये कह रहे हैं कि 2017 से पहले जिसकी सरकार थी उसने भ्रष्टाचार फैलाया, अब समाजवादी पार्टी कह रही है 2017 के बाद जो सरकार आई उसने भ्रष्टाचार फैलाया, कि इस तरह से पीयूष जैन जैसे पता नहीं कितने और लोग भी होंगे प्रदेश में, क्या लगता है कांग्रेस इसका फायदा उठा पाएगी? इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जो नोटबंदी किया था प्रधानमंत्री जी ने, और नोटबंदी करते समय उन्होंने जो ये दावा किया था कि इस नोटबंदी से काले धन खत्म हो जाएंगे, वो तो टाइट ऑफिस हो गया, सबके सामने है कि देखो भैया किस तरह से काले धन हम लोग इकट्ठा करके रखे हुए हैं। और दूसरी ये चीज कि जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल, तो ये दोनों ही पार्टियां उसी आंदोलन में डूबी हुई है। ये टूतू मैमे का ये चल रहा है ड्रामा कि नहीं ये तेरा नहीं ये मेरा है, ये समझवादी है तो ये बीजेपी का इत्र है, और जैन साहब को देकर जिस तरीके से दोनों पर हमला ये कर रहे, उससे तो साफ जाहिर हो गया है कि दोनों लोगों का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, और ये दोनों लोग भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूबे हुए हैं। 2012 से 2017 तक की जो सरकार थी अखिलेश यादव की, इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्होंने नकारा कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। एक जाति विशेष का बोलबाला चल रहा था, पूरी तरीके से नौजवानों का महिलाओं का दलितों का अत्याचार हो रहा था, सेम वही कंडीशन। आज देखिए नीति आयोग ने, नीति आयोग कोई कांग्रेस का आयोग नहीं है, वो सरकार का आयोग है, प्रधानमंत्री उसमें अध्यक्ष होते हैं, और उसकी रिपोर्ट आई कल कि स्वास्थ्य के स्तर पर सबसे फिसड्डी राज्य कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का ये प्रचार प्रसार का फरेब का इश्तहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नंबर वन है, लेकिन ये नंबर वन तो किसमें है? फिसड्डी स्वास्थ्य व्यवस्था में नंबर वन किसमें है? महिलाओं पे हो रहे हैं अत्याचार में नंबर वन किसमें है? बेरोजगारी पे नंबर वन किसमें? स्वास्थ्य की सुविधा आज देखिए विधानसभा के सामने छात्र खड़े थे और धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, अपनी रोजगार की मांग कर रहे थे, बात कर रहे हैं महिला की और बात कर रहे हैं बिजली की और क्या बात की, इन्होंने बात की है बहुत प्रकार से बात करें। मैं सारी बात बताऊं, पहले तो महिला की बात कर लूं, इसके बाद झूठे बातों की बात कर लूं जो वो बोल रहे हैं, तो आदर्श घोटाले से लेकर के बुक फोर्स तक आपकी है सारी बातें हमको याद है, तो आप मत बताइए। और बाकी किस प्रकार से गरीबी हटाओ से लेकर के आपने किस प्रकार के नारे दिए वो सब जनता को याद है, और आप कहाँ हैं ये भी जनता को और आपको खुद को पता है, ये मत बताए। बाकी हमने क्या किया है ये सुनिए, ये जो जिस प्रकार से काम हो रहे हैं ना महिलाओं के लिए, जब से वो पैदा होती है तब से लेकर के जब तक वो शादी नहीं हो जाती है उनकी, तब तक है। पहले नेहा जी उनका उनके लिए केवल अनुदान था 21,000 रुपए, अब जाकर के 51,000 रुपए बढ़ा दिया गया है, हर चीज में बढ़ता चला जा रहा है। जब से लेकर के उनकी सारी चीजों का ख्याल मोदी सरकार आदरणीय योगी सरकार रख रही है, तो इन चीजों की बात और ये सपा के प्रवक्ता तो बात करें ही ना, 1090 से लेकर के पूरा 100 तक केवल इसलिए बनाया गया था। राहुल जी, राहुल जी डबल इंजन की सरकार का फायदा और जो मिल रहा है जिस बात का जिक्र अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, देखिए डबल इंजन होने से कई बार लाभ मिलता है, कई मामलों में योजनाओं के संचालन में लाभ मिलता है, लेकिन कई बार हम लोग देख रहे हैं कि जैसे अर्थव्यवस्था के मामलों में कुछ मामलों में हम लोग देख रहे हैं कि इस समय कहीं कहीं उत्तर प्रदेश सरकार कुछ मामलों में नुकसान में भी रही। उदाहरण के लिए जैसे कि जीएसटी रिफंड का भी मामला अगर हम लोग लेते हैं, तो जो विपक्षी पार्टियां वो शोरगुल मचा मचा के कई बार जो है कि वो अपना संवैधानिक अधिकार ले लेती है, लेकिन जो एक ही
प्रदेश वाले ऐसी जो एनडीए वाली सरकारें होती है वो अपनी केंद्र सरकार का विरोध तो कर नहीं पाती है, तो ऑफ द रिकॉर्ड तो कई सारे बीजेपी के नेता इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन दो तीन चीजें हमें देखनी पड़ेगी। यहाँ पे तमाम लोग अभी दावे कर रहे हैं, उन दावों में बड़े बड़े दावे हम लोग देख रहे हैं। पहली चीज की देखिए, कुछ दावे सरकार के सही भी है, कुछ दावे विपक्ष के भी सही है। उदाहरण के लिए अब देखिए, इत्र व्यवसायी के ऊपर छापा पड़ा है, अब वो एजेंसियां ही तय कर पाएंगी उनका संबंध किसके साथ घनिष्ठ संबंध है, उनका क्या चीज है। वो काम जो है कि जो एजेंसियां कर रही है छापेमारी, वो उनको स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप उसको एक तरह से पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाए, अगर पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाएगा तो ये स्पष्ट जरूर पूछा जाएगा। एक आरोप अगर भारतीय जनता पार्टी के आरोप को लेकर चले कि भाई हमने अगर जो है कि हम कालाधन मुक्त प्रदेश हम बनाना चाहते थे, तो फिर अगर ये 2017 से पहले की गाड़ी कमाई थी तो उसको फिर खोदने में उसको फिर हम लोग 2021 के लास्ट में क्यों पहुंच गए, तब तो फिर इसका मतलब है कि जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिला। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि नोटबंदी के समय 99.3% पैसे उसमें जमा हो गए थे, तो नोटबंदी अपने अपेक्षित उद्देश्य को नहीं कर पाया, ये घटनाक्रम से जरूर स्पष्ट भी होता है। दूसरा चीज के लिए कि तमाम जैसे अभी यहाँ पे दावे हो रहे हैं, तमाम हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री भी दावा कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कि भाई उत्तर प्रदेश में कोई दंगे नहीं हुए। ये सही सही बात है कि मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, बड़े दंगे थे, लेकिन एनसीआरटी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 2017-18-19 आंकड़े को संख्या जो है तो हजारों की संख्या में वो आंकड़े दर्ज है दंगों के। तो इसलिए हाँ, बड़े दंगे कोई नहीं हुए, इसलिए जो चुनाव का जो मामला है नेहा जी, इसमें पार्टियां जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के वास्तविकता से ऊपर का दावा कर रही है। क्योंकि जो अभी नीति आयोग का मामला उठ रहा था, जैसे गरीबी के मामले में देख लीजिए, नीति आयोग ने उसमें पूरे प्रदेश को जो है कि पूरे रैंकिंग में गरीबी के मामले में तीसरे नंबर पर रखा, स्वास्थ्य के आंकड़े में देखिए बड़े राज्यों में इसको सबसे आखिरी पायदान पर रखा। तो ये भी एक सच्चाई का चीज है, और कुछ तमाम कुछ विकास की चीजें हो रही है वो हम लोगों के सामने में है। ठीक, एक बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया जिस बात का जिक्र अभी विवेकानंद जी भी कर रहे थे, क्या नोटबंदी फेल हुई। इस मामले के बाद ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण, कंचन जी सीधा सा सवाल आपसे है, मैम इतनी मात्रा में अगर नए नोट बरामद किए जा रहे हैं, जिस बात का जिक्र अभी विवेकानंद जी कर रहे थे, राहुल जी कर रहे थे, क्या नोटबंदी फेल हुई ये माने? क्या मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही, रखिए अपनी बात जी। मुख्तार अंसारी से लेकर के जो अभी तक पूरी चीजें हो रही हैं, वो क्या है, वो हम लोग काम ही तो कर रहे हैं ना। अगर ये सारी चीजें नहीं होती, इन लोगों का हम लोग सफाया नहीं कर रहे होते, तो आज ये बात नहीं होती। और ये जिस प्रकार से मैं कहूँगी, ये तो नए नोट है ना, जिसको जो चीज करनी होती ना उसे आप रोक नहीं सकते। और फिर फेल कहाँ हुआ, अगर फेल हुआ था तो आज भी नहीं निकलता ना ये रुपए, कैसे निकल रहा है, इतनी दौलत कहाँ से निकल रही है, निकाली तो जा रही है ना, इसी चीजों के तहत निकाली जा रही है, इन्हीं जो आज के जो हमारे नियम से जोड़ लगे हैं उन्हीं के तहत निकाला जा रहा है। ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि हम बिल्कुल फेल नहीं हुए हैं, जो हमारी नीति है उन्हीं सब नीतों से जो इनके जो लोग हैं वो सब फेल हो रहे हैं, इसीलिए ये लोग बहुत बहुत बौखलाए जा रहे हैं। यही बात है कि नोटबंदी कब हुई और ये जो काले कारनामे जो निकल के लोगों के सामने आ रहे हैं, इतनी तादाद में पैसा निकल रहा है, वो भी नए नोट निकल रहा है, ये कब निकल रहा है, चुनाव से एन पहले, इसकी टाइमिंग पे भी तो सवाल उठ रहे हैं ना कंचन जी। हेलो जी, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं मिल पा रही है कंचन जी, इसकी टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास अभिषेक जी, क्या जिस बात का समझ में आ रहा है, मैं बोल रही हूँ टाइमिंग की बात कर रही है नेहा जी, तो टाइमिंग कहाँ रुके, हम लोग रुके कहाँ है। 470 भ्रष्टाचार अधिकारियों से लेकर के 480 पुलिसकर्मियों से लेकर के सभी लोगों को हम लोग यहाँ पे धोते चले आ रहे हैं, जो भी हमारे पुलिसकर्मी वगैरह जो खराब थे, जो इन्होंने पूरा का पूरा यादव वंश भर रखा था हमारे यादव जी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने, तो पूरी तरीके से वो सफाई तो हो रहा है, मुख्तार अंसारी से लेके छोटा सकील से लेके राम वृक्ष से लेकर ये सब सफाई तो किया जा रहा है, कहाँ हम लोग रुके हैं। और अब जाकर के ये नए नए व्यूज भी आ गए हैं। ठीक है विवेकानंद जी, कार्य चल रहा है। सुना आपने कंचन जी को, ये कह रही है की नोटबंदी कहाँ फेल हुई है, आप लोगों को ऐसे ही लगता है की नोटबंदी फेल हो गई? देखिए यही एक तो बात है ना, ये पूरी तरीके से मैं तो कहता हूं इनका नामकरण मैंने कर दिया है बड़का झूठा पार्टी बीजेपी। तो ये जो बड़का झूठा पार्टी के जो नेता हैं, ये प्रवक्ता हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है, बेकायदे ट्रेनिंग है, शुरू से लेकर अंत तक हर चीज झूठ बोलते हैं। ये लोग झूठ बोल रहे थे कि रोजगार देंगे, कहां है रोजगार, ये झूठ बोले थे कि 15 लाख आपके अकाउंट में आए थे, कहां आया, ये झूठ बोले थे कि नोटबंदी से आतंकवाद समाप्त हो गया, कहां आतंकवाद समाप्त हो गया, लगातार आप देख रही आतंकवादी हमले हो रहे हैं इस देश पे, चीन घुसा हुआ है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव के एंड वक्त जिस तरीके से ये छापेमारी चल रही है और धन, काले धन बरामद हो रहे हैं, ऐसे न जाने काले धन बरामद हुए हैं
और इससे तो आप पता चलता है कि सरकार फेल है। दूसरी तरफ चीज जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये जो सरकार सिर्फ प्रचार और प्रसार कर रही है, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तमाम तरह के वो फर्जी स्कैम्स गिनाए जो स्कैम्स का कहीं कोई औचित्य ही नहीं था, जबकि सीधे सीधे ऐसे 60 इसमें अभी आपके स्क्रीन मोबाइल के माध्यम से आ रहा था जिसमें 60 ऐसे स्कैम्स सीधे सीधे है और उनके नेता सीधे सीधे पत्ते हुए और दोषी भी करा हुए हैं। दूसरी चीज बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल मन अपना बना चुकी है बदलाव के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मान रोजगार होता है वो कह रहा है कि 25 लाख नौकरियां अभी भी सरकारी पद है वो कब भर जाएंगे। आज 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश का किसान जो परेशान है, ठीक है, छुट्टे जानवरों ठीक है, विवेकानंद कह रहा है कि भैया निजात दिलाने के लिए हमारे पास आपके पास क्या व्यवस्था है, आप बताएं कि कैसे क्या होगा। ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय, ठीक है सर मैं लौटती हूँ आपके पास डॉक्टर अभिषेक राय। अब सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी ये कह रही है कि हमने तो पीयूष जैन का पर्दाफाश किया है, लेकिन अखिलेश यादव को ये लगता है कि वो तो बीजेपी का आदमी है। देखिए नेहा जी, अगर ये लोग इतने दूध के धुले हुए तो प्लीज ना सीडीआर जो है वो वायरल कर दे, मैं कह रहा हूँ हाई कोर्ट में कर दे और मीडिया चैनलों को सीडीआर दे दे पीयूष जैन की, सबको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये क्यों छुपा रहे हैं इनको सीडीआर, हम तो मांग करते हमारे राष्ट्रीय जी ने मांग करी। तो मैं दूसरी बात कहता हूँ, इन्हें नोटबंदी की बात कहती है, नोटबंदी में आरबीआई का डाटा था 99.7% नोट वापस पहुंच गए। ये अलग बात है कि गुजरात के एक कोऑपरेटिव बैंक से सबसे ज्यादा पुराने नोट बदले गए और उसके चेयरमैन कौन थे, हमारे गृह मंत्री जी। ये तो ये भाई इत्तेफाक है, बहुत बड़ा इत्तेफाक है। उनके बेटे क्रिकेट के माहिर आदमी है, बीसीसीआई चेयरमैन बन गए और 16,000 गुना आमदनी बढ़ गई। ये कैसे कौन सी विद्या नेहा जी, ये विद्या जरूर जानना चाहूंगा और देश की जनता जानना चाहेगी। गरीबी दूर हो जाएगी, क्यों 80 करोड़ को वो बांटना है, क्यों 80 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे है, ये विद्या बता देना माननीय गृह मंत्री जी कि 16,000 गुना आमदनी उनके बेटे की कैसे बढ़ गई। अभी ये घोटाले की बात कर रही है, अरे राम का नाम लेने वाले, राम के जन्मभूमि में इनके अधिकारी नेता मंत्रियों ने घोटाले कर डाले, सस्ते कौड़ियों के नाम जमीन खरीदी, सबको पता है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जांच बैठाई है। अरे जब गंगा में लाशें बह रही थी तब पीपी किट और वेंटिलेटर में घोटाले हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, इनके कितने मोदी जी अपनी जो बनी हुई जो दूसरों की फील्ड होती है ना सर, जनता के लिए लगा देते हैं। आपकी भाषा जो आपने राहुल जी के दूसरे के कार्यकाल पर ही दोषारोपण किया जाता है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि पीयूष जैन जैसे व्यक्ति किसी राजनीतिक संरक्षण के बगैर क्या फल भूल सकते हैं क्या? ऐसे नहीं। देखिए अभी राहुल जी के बारे में बोलने दीजिए। नेहा जी काफी गंभीर सवाल पूछा है कि जिस तरह से देखिए हम लोग तो देख रहे हैं कि जितना लंबा जो है ना, अभी हम लोग देखेंगे जब वोटिंग की गणना इससे पहले हो जाएगी, वो नोटों की गणना अब तक नहीं हो रही है, मतलब लगातार चले ही जा रहा है, पता नहीं कौन सा कुबेर का धन निकल रहा है। तो जिस तरह से अप्रत्याशित तौर पर वो पैसे वहां से बरामद हो रहे हैं, अलग अलग जगहों से दीवारों को तोड़कर यहाँ से तोड़के, तो ये कभी भी संभव नहीं है कि इस तरह से ब्लैक मनी कभी भी कोई किसी राजनीतिक संरक्षण के बिना हो जाए। बिल्कुल, इसलिए प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता ये जानने के लिए पूरी तरह से इच्छुक है कि राजनीतिक आरोप लगाइए, समाजवादी पार्टी कह रही कि भाई उनके बीजेपी से संबंध है, बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी से संबंध है, लेकिन जो तथ्यात्मक बिल्कुल एक वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ सरकार को और जांच एजेंसियों को बताना चाहिए कि आखिर पीयूष जैन किसके आदमी है, क्योंकि वो किसी न किसी के तो है, इसमें कहीं कोई शक वाली चीज नहीं है। क्योंकि ऐसा पैसा हम और आप कोई भी, हमें नहीं लगता समाज आदमी इस तरह से ब्लैक मनी जमा करेगा। और दूसरा जो सवाल है ना, देखिए ये सवाल तो व्यवस्था पे खड़ा हो ही रहा है, दूसरा सवाल की देखिए बार बार यहाँ पे जो मन में किसी एक सामान्य लोगों के मन में जो सवाल आ रहा है टाइमिंग, जिसका जवाब अभी तक मजबूत उत्तर नहीं मिला है। नोटबंदी 2016 में हुआ, चलिए ये उपलब्धि का विषय है कि आज पीयूष जैन की संपत्ति देश के सामने में है, इसके लिए मैं भाजपा को बधाई भी देता हूँ, इस सरकार को डबल इंजन सरकार को भी बधाई देता हूँ।
लेकिन क्या कोई अन्य पीयूष जैन इस तरह से नहीं है? और इस तरह के कितने पीयूष जैन है पूरे प्रदेश में, इस तरह के कितने लोग हैं जो इस तरह से काले धन को छुपाए हुए हैं? तो यह सवाल बनता है, क्योंकि अभी भी सामान्य कॉमन सेंस तो यह समझ में आ रहा है हम लोगों को। नहीं, और सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है ना राहुल जी, कि इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ है, और क्या इतना इतना जो नोटों का जखीरा है वो एक दिन में बन गया क्या? अगर दीवारों को खोद खोद के उन पैसों को निकालना पड़ रहा है कंचन जी, तो क्या एक दिन में बन गया है क्या ये पैसों का जखीरा, ये नोटों का जखीरा? इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी फेलियर है? नहीं, इसमें तो मैं कहूंगी ना कि जो नोटबंदी में चीजें हुई वो तो खत्म ही हुई, वो तो अलग वाली बात हो गई ना। बाकी मुझे लग रहा है कि जो भी पैसे वैसे हैं, शायद किसी पार्टी वार्टी के फंड वंड के पैसे आए हुए हैं और इस प्रकार से इकट्ठा किया गया है, नोटों की बंडियां बना बना करके रखा गया है। तो पक्की बात है कि ये कोई साधारण बात तो हो नहीं सकता। पार्टी के फंड के पैसे आए हैं, स्पष्ट करिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसकी पूरी स्पष्टीकरण आपको एजेंसियां ही दे पाएंगी, देश को एजेंसियां ही दे पाएंगी। बाकी सब तरीके से उसका तो निर्णय हो ही रहा है, वो बताएंगी। हम लोग केवल अभी बैठकर अंदाजा लगा सकते हैं, जैसा कि बैठकर के अभी कुछ दिन पहले ये लोग कह रहे थे नहीं भाई जांच करवाओ, क्या पता कैसा है भी वहां पर कि नहीं है पैसा। तो अब जब निकल आया है तो अब आप कह रहे हैं, बाकी संबंध भी धीरे धीरे इनकी पार्टी से मिलने लगे हैं, तो अब ये लोग धीरे धीरे हट रहे हैं, क्योंकि झूठों का काम ही होता है झूठ बोलना। ठीक है, विवेकानंद जी रखिए अपनी बात। जिस तरीके से पान मसाले के द्वारा भारतीय जनता पार्टी अपना ऐड कराई, वो पूरा फुल पेज का ऐड पूरे प्रदेश में छपा हुआ, और आप उससे समझ सकती हैं कि इससे उसका क्या रिलेशन है। और रिलेशन तो इन दोनों लोगों का ये साफ जाहिर है, बस ये बात है कि जब वो पकड़ा गया जैन, अब ये हो रहा है कि ये मेरा नहीं है तेरा है, ये तेरा नहीं है मेरा है। बेचारा जैन जो इन दोनों को कहीं ना कहीं से इनको पूंजीपति, एक तरह से इन दोनों का पूंजीपति है वो, और दोनों लोगों को एक राजनीतिक जो चंदा होता है, जो ब्लैक लेवल पे लोग ये लोग लेते हैं, उनका वो पर्दाफाश है। अब बात ये है कि अब स्वीकार कर नहीं पा रहे हैं कि ये मेरा है कि तुम्हारा है, तुम्हारा है कि मेरा है। दूसरी बात कि आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के हालात है, ऐसे तो एक पीयूष जैन है, न जाने इस उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने पीयूष जैन होंगे जो सरकार के सरकारी संस्थान हजारों करोड़ों खरबों काले धन अपने घरों में कैद करके रखे होंगे। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि 2016 का जो फरमान था जिसमें 200 लोग शहीद हुए थे उस नोटबंदी में, वो तानाशाही जो था प्रधानमंत्री का, उससे प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री काले कानून किसानों के हक में, तो उनको हक बताते बनाए थे और किसानों से माफी मांगा हिंदुस्तान ने, आज देश के लोगों से बाद लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए और एक बार फिर से मैंडेट मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, एक बार फिर से चुनाव हुए और चुनाव में एक बार फिर से जनता ने सराखों पर बिठाया। बात इस पे होगी आगे भी। एक सवाल इस बात को लेकर है कि अब बीजेपी ये कह रही है कि चलिए हमारी सरकार में कम से कम ऐसे लोगों का पर्दाफाश तो हो रहा है, ये जो ऐसे लोग है क्या पीयूष जैन बन गया 5 साल में? इससे पहले वो पीयूष जैन नहीं था? उससे पहले उसके पास संपत्ति नहीं थी क्या? और ऐसे पीयूष जैन ना जाने कितने होंगे प्रदेश में, क्यों आंखें उन पर गाज नहीं गिरती, क्यों उनका पर्दाफाश नहीं किया जाता? और आपकी सरकार में ऐसे कितने पीयूष जैन का पर्दाफाश हुआ सर? मैं यही बात तो कह रहा हूँ नेहा जी, कि अभी तक पर्दाफाश क्यों नहीं किया? 5 साल सरकार बैठी रही नोटबंदी को उपलब्धि बताने वाले, जबकि RBI ने कहा 99.7% नोट्स बदल दिए गए, तो नोटबंदी तो फ्लॉप थी, और उसके चक्कर में जिन लोगों की जान गई उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। मैं ये एक चीज पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से कि भारतीय जनता पार्टी को 3300 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ से मिले। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, RTI के माध्यम से इसकी सूचना नहीं दी जा रही है कि किन किन बिजनेसमैनों ने इतना पैसा डोनेट किया पिछले 2 सालों में। ये 3300 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा कहां से आ गया, क्या इसकी डिटेल ये दे पाएंगी? मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि जिन्होंने 3300 करोड़ रुपए दिया उनमें से कितने आदमियों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़े या ईडी का कुछ हुआ है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि तमिलनाडु के चुनाव से पहले स्टालिन जी के ऊपर 4 दिन पहले इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, सारी चीजें होती है, उन्हें डिटेन किया जाता है, सारी चीजें होती है, और 4 दिन बाद वो मुख्यमंत्री बन के आते हैं। अजीत पवार का नाम किसी ने नहीं भूला होगा, सबको पता था उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस है। जैसे ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं अगले दिन उनको गंगा नहाते हुए क्लीन चिट दी जाती है। यही चीज इन्होंने पश्चिम बंगाल में करी,
जिन नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप थे उनको इन्होंने पार्टी में शामिल किया, उनको टिकट दिया, इनकी पार्टी में ज्वाइन होते ही पता नहीं कौन सा डिटर्जेंट इनके पास है कि उनके सारे जो पाप है वो धुल जाते हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये सिर्फ जो कहते हैं ना, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार का तोता है, वैसे ये तोता बना के सारी जांच एजेंसी, ठीक है, आरोप आपने लगा लिया डॉक्टर अभिषेक। अब सवाल का जवाब दे दीजिए जो सवाल मैंने आपसे पूछा था। जी सर, सवाल मेरा यही, मैं सुन नहीं पाया, आपके कार्यकाल में ऐसे कितने पीयूष जैन उजागर हुए थे, कितनों का पर्दाफाश हुआ था, और क्या ये ऐसे पीयूष जैन महज 5 साल में बन गया जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति हो गई? मैं आपको एक चीज, नया जी एक चीज बहुत सीधे से बताता हूँ कि हम कभी केंद्र में सरकार में नहीं रहे, ठीक है, और ये इनकम टैक्स हो चाहे ईडी हो चाहे ये सीबीआई हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज है, वहां से गवर्न सर, प्रदेश सरकार की ये एजेंसीज को छोड़ दीजिए, मैं कह रही हूँ प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। और अगर आप केंद्र सरकार में नहीं, एक सेकेंड, आप समर्थन दे रहे थे केंद्र सरकार? देखिए मैंने क्या बोला कि हम सरकार में कभी नहीं रहे, हम सरकार में नहीं रहे हैं पिछले 10 सालों में, 15 सालों में। समर्थन तो दे रहे थे ना सर, समर्थन तो दे रहे थे ना, समर्थन की बात अपनी जगह है, पर हम सरकार में सत्ता में नहीं थे, हमारा कोई मंत्री नहीं था, हमारा कोई वो नहीं था, ठीक है। तो भ्रष्टाचार पे आपसे सवाल ना पूछे, भ्रष्टाचार पे आपसे सवाल ना पूछे, आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूछे जाएंगे? पूछे जाएंगे, हम जनता को जवाब दे रहे हैं, हम जो 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 ये लोग आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। राजीव राजी के रेड हुई ऐसे पीयूष जैन कितने ऐसे पीयूष जैन का पर्दाफाश हुआ सर आपके कार्यकाल में? मैं वही चीज तो बोल रहा हूँ नेहा जी, मेरी बात आप क्यों नहीं समझ रही है? केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उत्तर प्रदेश सरकार इसको गवर्न नहीं करती। ठीक है राहुल लाल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या ये कहकर कि केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री की जा सकती है क्या? देखिए आप, जिम्मेवारी तो राज्य सरकार के पास भी कई सारी एजेंसियां होती हैं जिसके माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो आपका सवाल है कि अगर आज तक अगर कोई आदमी है बना हुआ तो अब ये आखिर कहां से किस किस लोगों का सपोर्ट है और किन किन दलों का सपोर्ट है? और क्या महज 5 साल में ऐसा आदमी बन सकता है क्या, अरबों खरबों की संपत्ति वाला, ये मुझे बताइए राहुल जी। नहीं देखिए केवल 5 साल में तो नहीं बनेगा, लेकिन अब वो कितना समय लगा और कितने क्या वो क्या उस समय मान लीजिए कि पुराने समाजवादी पार्टी सरकार का समर्थन रहा या बसपा सरकार का समर्थन रहा, ये तो अभी जांच एजेंसियों को बताना पड़ेगा कि उनके आय के स्रोत क्या थे, कहां से लाए गए, किस तरह से लाए गए। क्योंकि देखिए ये 2-3 दिनों का मामला तो नहीं लगता, जो कंचन जी कहना चाह रही थी कि नहीं अभी तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही फंड है जो वहां पर डंप किया गया है, जिस तरह से व्यवस्थित तौर पर बिल्कुल देखिए पैकेजिंग की गई है नोटों की, वो जिस तरह से कई लेयर्स में जब उसको कई जगह मैंने देखा है तो बहुत सारे लेयर्स में पैक है, वो विधिवत ढंग से पैक है। सोचिए अभी तक गिनती अभी भी चली रही है, इस समय भी गिनती चल रही है। तो ऐसे स्थिति में देखिए कम से कम जो राशि बढ़ी है अभी के इस सरकार के ऊपर हमें जिम्मेवारी देनी पड़ेगी और वो जांच एजेंसियों को तय करना पड़ेगा कि क्या पिछले सरकार में तो ये जमा हो रहा था या और भी पहले अभिषेक जी कर रहे थे, वो भी जवाब ले लेते हैं कंचन जी से। कंचन जी, भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा मिला, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है क्या ये पीयूष जैन जैसे लोग है जो भाजपा को चंदा देते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो ऐसे लोग है ना, अगर ऐसा कोई बात होती तो वो ये संबंध जो इनकी निकल करके आ रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं आते, और सीधा सीधा संबंध इनसे निकल के आ रहा है, ये तो सीधा सीधा भांडा फोड़े चले जा रहे हैं। वही बात है ना, बहुत अच्छी लाइनें हैं, झूठों ने कहा है झूठों से सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की मंडी है, घर के बाहर वोट लगाए सच बोलो, मतलब किसी पे भी थोप दो, आपकी ऊपर सर में आ रहा है। सीडीआर जारी कर दीजिए, मैं बात कर रही हूँ, सीडीआर जारी कर दीजिए, आरोप आया उनको बचाने के लिए अखिलेश जी ने एरी चोटी का जोर लगाया, राम लक्ष्मी का वही हाल हुआ, एरी चोटी का जोर लगाया, यहाँ तक की प्रभु हनुमान की जाति बताओगे और श्री राम के जन्म पे शर्मानी चाहिए आप लोगों को, जिस प्रकार से मऊ से लेकर के साए जहाँ तक की औरतों को घसीट घसीट करके जिस प्रकार से आप लोगों के नेता ने मारा है ना, शर्मानी चाहिए आप लोगों को, सबने देखा है, और 1000 आपने क्या किया सबने देखा है,
विवेकानंद जी, लखनऊ में मैराथन की दौड़ लगा कर क्या आप चुनावी रेस में अपने आप को आगे निकाल पाएंगे क्या? ये जो फिलहाल मुद्दे हैं, इन मुद्दों को क्या दरकिनार किया जा सकता है? ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे एक एक करके आप विवेकानंद जी का मान स्वीकार कर लीजिए। नेहा जी देख रही है, इसके बाद सर आपको करनी चाहिए, इसके बाद आप कर रहे हैं, हमारी कोई जवाब दे ही नहीं है, हम केंद्र में ही नहीं रहे, मतलब आप किसके लिए सरकार बना रहे हैं? कंचन जी सुन लेते हैं, अभिषेक जी आप गुंडागर्दी करेंगे, इसके लिए सरकार में आए थे आप, इसके बाद करेंगे, हमारी जवाब दे ही नहीं। कौन गुंडे हैं सबको पता है, किसको एमएलसी बना रखा है आपने सबको पता है, किसको जिला पंचायत। ठीक है अभिषेक जी, अभिषेक जी, कंचन जी, अपने अपने बारे में बोलिए, आप डिबेट की मर्यादा को बना के रखिए, इस तरह से मत करिए ना प्लीज, जिसका बारी है उसको बोलने दीजिए। ठीक है विवेकानंद जी, बात रखिए अपनी। कंचन जी और हमारे समाजवादी पार्टी के अभिषेक जी, आप दोनों लोग टीवी स्क्रीन पे मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए सर जी। तो सबसे बड़ी बात यह है नेहा जी, की कंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो वक्त है वो खत्म है, समाप्त होने जा रहा है, तो इसलिए बहुत दो मतलब 30 सेकंड में अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बार बार महिलाओं की बात कर रही है और कह रही है कि महिलाओं से, अरे आप क्या बोल रही है, आपकी सरकार में वही चिन्मयानंद, वही बीजेपी का उन्नाव का एमएलए जिसने महिला के साथ बलात्कार किया, आपका तो जो उन्नाव से लेके मतलब चिन्मयानंद से लेके हाथरस से लेके आगरा से लेके इलाहाबाद से लेके सभी जगह आपके 4.5 सालों में, और ये मेरा नहीं एनसीआरबी का डाटा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं, हिंसा हुई है। और नेहा जी आपने जो सवाल किया था ना कि क्या महिलाओं का जो आज हमारा चल रहा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैराथन का, उसके सहारे हम, ये सहारा है ही नहीं है, ये तो सीधे सीधे हमारी नेता मैं देती हूँ आपको वक्त, ये संदेश है कि जिस तरीके से ये शोषण हुआ है महिलाओं का खासतौर से उत्तर प्रदेश में, राजनीति में मुख्य धारा में जोड़ने के लिए महिला, ताकि बेटी भी राजनीति कर सके, ताकि इस प्रदेश की बेटियां भी आगे बढ़ के लड़ाई लड़ सके। लखीमपुर में इस सरकार ने जिस तरीके से पंचायत चुनाव में महिलाओं के ऊपर हिंसा किया था, उनका चीरहरण किया था, उसी दिन हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने यह ठान लिया था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना है, उत्तर प्रदेश की राजनीति का सम्मान उत्तर प्रदेश की महिलाओं को देना है, और इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के विधानसभा टिकट पर 40% महिलाओं की हिस्सेदारी की और एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जिसका नतीजा ये है कि आप देख रही हैं, झांसी हो चाहे आगरा हो चाहे कहीं भी हो, अभी लखनऊ में ये सर। कंचन जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। जी मेरा जवाब है, अभी अभी जस्ट बोला हूँ, शायद भूल गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, भूल गए हैं कि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 8 दिन हुए हैं मुश्किल से, एक इनके बड़े नेता, मैं नाम नहीं बोलूंगी, उनको याद आ जाएगा और आपको भी याद आ जाएगा, पूरे डिबेट सुनने वाले लोगों को याद आ जाएगा, एक विधायक रह चुके, इतने बड़े नेता, इतने सीनियर नेता लड़की के बारे में क्या बोलते हैं, इतना गंदा कमेंट करते हैं कि इनको बिल्कुल ये बात बिल्कुल बोलनी नहीं चाहिए कि महिलाओं के लिए कैसी बात होती है, और इनके यहाँ पर अगर प्रियंका जी का ये बयान है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो सबसे पहले उन्हें अपने विधायक के साथ में लड़ना चाहिए और विधानसभा से खींच करके उनको ले जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि लड़की है इसलिए लड़ सकते हैं, चाहे हमारी पार्टी के हो चाहे किसी पार्टी के हो, पहले तो उन्हें उनसे ही लड़ाई शुरू करनी चाहिए, तब फिर ये नारा कहीं और देना चाहिए, बाकी तो इनका ये नारा फेल ही हो जाता है। प्रियंका जी का ये नारा आप दुनिया की लड़कियों को या फिर उत्तर प्रदेश की लड़कियों को मत सिखाइए कि वो लड़की है लड़ सकती है, अगर लड़ सकती है तो महिलाओं के लिए पहले वो कदम उठाए, दोष नहीं है जननी जनते ही जिनको बातें बोलते हैं, बेकार की बातें मत करिए, बेकार की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, चुप्पी साध ली थी कुलदीप सेंगर के सवाल पे, चुप्पी साध ली थी, बुनियाद नारे मत फैलाइए, अगर लड़ना है और यूपी की लड़कियों को अगर साधना है समझाना है तो पहले अपने विधायक को खींच करके ले। ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय, जिस बात का जिक्र अभी कंचन जी कर रही है, इस तरह के आरोप तो सपा नेताओं पर भी लगते रहे हैं, तो क्या ये कहा जाए कि सपा के नेता या समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती? ठीक है एक सेकंड, अभिषेक जी को बोलने दीजिए। नेहा जी हमारी पूरी महिला विंग है, हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता बहन जूही सिंह जी उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, आप देख रही महिलाओं के लिए हमारे में क्या काम हो रहा है, 1090 ले आने वाले समाजवादी सरकार है, डायल 100 लाने वाले समाजवादी सरकार है, महिलाओं को लैपटॉप देने वाले समाजवादी सरकार है, तो हमने महिला उत्थान के लिए हौसला योजना भी महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने शुरू करी थी,
रही बात अभी नेताजी ने कहा लड़की और जो कि मैं उस पर यह बात जरूर कहना चाहूंगा नेहा जी कि 17 के बाद नोटबंदी हुई थी, मेरी बात कंप्लीट होने देते हैं कि अगर 16-17 में नोटबंदी हुई थी और रेट में जितने नोटे मिल रहे हैं नहीं मिल रही तो ये किसकी सरकार में मिली, सबसे पहली बात तो ये। और ये दूसरी बात, मैं बार बार ये मांग कर रहा हूँ, विपक्ष की मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है चैलेंज ओपन चैलेंज है कि उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड वायरल कर दे, ओपन कर दे जनता के लिए, जनता को डिसाइड करने दे कि कौन क्या है। जी ठीक है राहुल लाल जी, ऐसी शायद ही कोई पार्टी हो जिसने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी ना की हो, उनके नेताओं ने अभद्र टिप्पणी ना की हो, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को आगे बढ़ाने, उनको सम्मान देने, बड़ी बड़ी बातें विधानसभा चुनावों से पहले या फिर किसी भी चुनाव से पहले की जाती है। देखिए ये बात तो आप सही कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सरकारें बदल गई और आप हम देख रहे हैं कि अभी भी एनसीआरबी छात्रों में महिला अत्याचार के मामले नहीं घटे हैं। बयान अभी जिसकी कंचन जी चर्चा कर रही थी, वहां पे स्पीकर कौन था और वो सारा का सारा सदन किस तरह से ठहाका लगा रहा था, तो एक तरह से जो वो संवेदनशीलता जो होना चाहिए वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी चलिए एक अच्छा चीज एक नारा लेकर आ रही है हम 40% आरक्षण देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो सामान्य महिला है वो ये भी पूछ रही है कि राष्ट्रीय पार्टी है वो, तो क्या वो बाकी अन्य जो विधानसभा क्षेत्र जो 4 अन्य विधानसभा में चुनाव होंगे वहां पे भी मिलेगा महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं को समाज में उनको आगे किया जाए इसका इसका स्वागत हर कोई करेगा। दूसरा चीज के लिए सवाल ये भी है ना राहुल जी कि क्या जो पहले सरकारें बनी है वहां पे 40% आपने आरक्षण दिया, अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, क्या वहां पे महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, क्या क्या वहां पे कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि आगे बढ़े महिलाएं। नेहा जी वही सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ कि देखिए चलिए पहले आपने नहीं किया और अभी एक स्लोगन लेके आ रहे हैं, तो अभी मान लीजिए पंजाब के विधानसभा चुनाव है, गोवा के भी हैं और पंजाब में सत्ता में भी हैं, तो कम से कम इसी 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 यही तो शुरुआत कर रहे हैं अच्छी शुरुआत, तो क्या इस तरह का भी कोई शुरुआत होने वाला है, क्योंकि ऐसी कोई घोषणा हमने सुनी नहीं है मेरे जानकारी में, नहीं इस प्रकार की कोई घोषणा होनी। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इस मुहिम को लेके आने वाली है और आप धैर्य रखिए, ये तो शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत है, एक ऐसे क्रांतिकारी राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है कि सदियों तक हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में याद रखा जाएगा कि एक ऐसी नेता आई। नहीं अब सवाल ये है ना विवेकानंद जी, क्या उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ही आगे बढ़ने का अधिकार है, पंजाब की महिलाओं को नहीं 40% आरक्षण मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिलना चाहिए? क्या कह रहे हैं नेहा जी सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये शुरुआत है, ये आरंभ है, ये शुरुआत है और इसकी शुरुआत की नींव बहुत पहले रखी थी जब सोनिया गांधी ने 33% रिजर्वेशन की मांग रखी थी यूपीए फर्स्ट और सेकंड की सरकार में। ये भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दल उस बिल को विरोध किए थे, महिला के रिजर्वेशन का विरोध किए थे, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे बीजेपी महिला रिजर्वेशन। एक मिनट सर, सर आप राजनीतिक विश्लेषण है, मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का भी प्रतिनिधि मौजूद है, आप भी मौजूद है, महिलाओं को लेकर इतनी ज्यादा जागरूकता दोनों पार्टियां दिखा रही है, तो कम से कम इस मामले में तो देश को कुछ मिला नहीं है। पूरा तो सर यूपीए का लेके नेहा जी ने एक सवाल किया, नेहा जी ने एक सवाल किया है उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ, सर कृपया सुन लें, यदि जो मैं बोल रहा हूँ जो मेरा आप सवाल का जवाब दे दीजिए ना सर, की शुरुआत सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही क्यों, 5 राज्यों में इकट्ठे चुनाव हो रहे हैं तो उन 5 राज्यों से शुरुआत कर देते। 30 सेकंड आप सुन लीजिए कि प्रियंका माननीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय महासचिव है, प्रभारी उत्तर प्रदेश की है, अन्य राज्यों में भी तो अलग अलग उनके जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उनकी पॉलिसीज अलग है, लेकिन जहां तक बात राजनीति में महिलाओं की है और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इंचार्ज पॉलिसी बनाते कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी होती है, किसकी पॉलिसी होती है मुझे बताइए। नेहा जी बोल तो ले, उत्तर तो पूरा सुन लीजिए, आप ऐसी बातें बोल देते हैं कि सवाल मेरा भी यहाँ पे खड़ा हो जाता है। नहीं नहीं 30 सेकंड 30 सेकंड मेरा सीधी सी कहना है कि ये शुरुआत है, इसको इसको आप अंत मत समझ लीजिए, ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 40% टिकट, यहाँ तक कि विधानसभा में ही नहीं लोकसभा में और चीजों में देने की, अरे कांग्रेस पार्टी है जो पंचायत चुनाव में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया था, कांग्रेस पार्टी ने दिया था कि नहीं दिया था 50% रिजर्वेशन महिलाओं को,
तो ये कांग्रेस पार्टी है, और जब कांग्रेस पार्टी की एक नेता ने यह क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ठान लिया है कि महिलाओं की राजनीति में सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं को राजनीति दिलाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए 40% राजनीति में उनको रिजर्वेशन देना है, 40% आने वाले समय में ये मजबूत होगा। क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पा पाएगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा कंचन जी, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार। We'll be right back.